Hello friends, welcome to the another session of Manufacturing Engineering 1. Okay friends, आज हम study करने वाले casting terminology के बारे में, क्या? Casting terminology, okay. सबसे पहले देखते हैं कि sand casting के mold की proper position और उसका formatting देख लेते हैं. चलो, देखो. सबसे मेजर पॉइंट है उसका कोप एंड ड्रैग. देखो ये पूरा क्या है, एक सैंड कास्टिंग मींस की जो सैंड कास्टिंग का जो मोल्ड है वो मोल्ड की पूरी प्रिपरेशन है. क्या है? पूरी मोल्ड की प्रिपरेशन है और उसकी जो जो उसकी टर्मिनोलॉजी उसके अंदर यूज होती है उस सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. देखो एक कोप बॉक्स है अपर और नीचे हमारा ड्रैग है. क्या है? कोप और ड्रैग दोनों को कंबाइन किया है. ओके, नीचे बीच में हमने क्या रखा है जो दोनों को जोड़ती, दोनों कोप और ड्रैग को जोड़ती एक पार्टिंग लाइन. ओके, फिर हमारा क्या है कास्टिंग मींस की कास्ट मेटल एंड कैविटी. कास्टिंग क्या हो गया? मेटल, उसकी कैविटी है. उसके पास है हमारी कोर. ओके, नीचे हमारी मोल्ड, एक फ्लैस्क, रनर, राइजर, पोरिंग कप एंड डाउन स्क्रू. ओके, तो सभी उसके जो पैरामीटर्स है उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे. ओके फ्रेंड्स, चलो अब सबसे पहले देख लेते हैं हम सैंड कास्टिंग मोल्ड के टर्म्स. कौन कौन से हैं सैंड कास्टिंग के मोल्ड के टर्म्स? ओके, तो जनरली मोल्ड कंसिस्ट ऑफ टू हाफ, मींस की मोल्ड दो हाफ में कवर होती है. ओके, एक है हमारा कोप एंड सेकंड वन है ड्रैग. कोप को क्या बोलते हैं? तो कोप इज अ अपर हाफ मोल्ड. जो फिगर में देखते हैं अपर हाफ मोल्ड को क्या बोलते हैं? कोप. और बॉटम हाफ को क्या बोलते हैं? हम ड्रैग बोलते हैं. ओके फ्रेंड, तो उसको है कोप एंड ड्रैग. नीचे लिखते हैं कि मोल्ड हैव्स आर कंटेन्ड इन अ बॉक्स कॉल्ड अ फ्लैस्क, मींस कि जो दो हाफ है हमारे कोप एंड ड्रैग. ओके, तो वो हाफ जो बॉक्स में कंटेंट किए मींस कि जो बॉक्स के अंदर वो दो हाफ है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैस्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फ्लैस्क. और दोनों हाफ मींस कि दोनों हाफ किससे सेपरेट होते हैं? तो देखो बीच में एक पार्टिंग लाइन रखी हुई है. क्या है? पार्टिंग लाइन मींस की पार्टिंग लाइन की. पार्टिंग लाइन का यूज क्या है? कि दोनों हाफ्स को सेपरेट रखेगा, मींस की दोनों हाफ सेपरेट हो गए हमारे पार्टिंग लाइन से. ओके फ्रेंड, तो ये हमारे सैंड कास्टिंग मोल्ड के टर्म्स है ये सब. ओके, अब आगे देखेंगे हम फॉर्मिंग द मोल्ड कैविटी. मोल्ड कैविटी के अंदर कैसे हम उसको फॉर्म करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे हम कि डिफरेंस अमॉन्ग द पैटर्न कैविटी एंड पार्ट, मींस की पैटर्न कैविटी और पार्ट के डिफरेंस क्या है. ओके, अब कैविटी की बात की जाए तो कैविटी क्या है? तो कैविटी इज द इनवर्स ऑफ अ फाइनल शेप विद श्रिंकेज अलाउंसेस. क्या है? मींस की जो हमारी जो मोल्ड की कैविटी है विद श्रिंकेज अलाउंसेस, श्रिंकेज अलाउंसेस के साथ हमने जो मोल्ड की कैविटी प्रिपेयर की है तो उसको बोलते हैं मोल्ड की कैविटी. ओके, और पैटर्न क्या है? तो पैटर्न क्या है? तो इज अ रेप्लिका ऑफ द, क्या है? रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट. क्या है? ओरिजिनल प्रोडक्ट की आबेहूब प्रतिमा है. ओके, तो इज अ मॉडल ऑफ फाइनल शेप विद श्रिंकेज अलाउंसेस. क्या है? मींस की जो पैटर्न विद श्रिंकेज अलाउंसेस जो हमने वो पैटर्न बनाई तो उसको बोलते हैं पैटर्न. और क्या है? वेट सैंड. वेट सैंड इज मेड बाय एडिंग बाइंडर इन द सैंड, मींस की सैंड के अंदर बाइंडर एड किया होगा और वो बाइंडर के साथ हमने उसके मोल्ड की कैविटी के अंदर रखा होगा. ओके, तो उसको बोलते हैं वेट सैंड. ओके, और मोल्ड कैविटी इज अ फॉर्म बाय अ पैकिंग सैंड अराउंड अ पैटर्न. व्हेन द पैटर्न इज रिमूव्ड द रिमेनिंग कैविटी ऑफ द पैक्ड सैंड हैज अ डिस्क्राइब्ड शेप ऑफ द कास्ट पार्ट. ओके, तो वहां हमको कास्टिंग हुआ गया पार्ट हमको मिलेगा. ओके, तो जो फाइनल हमको मोल्टन मेटल को हम पूर करेंगे और जो फाइनल हमको जो प्रोडक्ट मिलेगी उसको बोलते हैं हम पार्ट. ओके, और द पैटर्न इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड टू अलाउ फॉर श्रिंकेज ऑफ मेटल ड्यूरिंग अ सॉलिडिफिकेशन एंड पुलिंग. ओके फ्रेंड, तो ये था डिफरेंस अमाउंट द पैटर्न कैविटी एंड पार्ट. पैटर्न किसको बोलते हैं, कैविटी किसको बोलते हैं और पार्ट किसको बोलते हैं. ओके, तो ये तीनों का डिफरेंस हमको इसमें से पता चलेगा. ओके फ्रेंड, तो ये था फॉर्मिंग द मोल्ड कैविटी. चलो अब आगे देखते हैं यूज ऑफ अ कोर इन अ मोल्ड कैविटी. मोल्ड की जो कैविटी हमने जो प्रिपेयर की है उसके अंदर देखो हमने एक छोटा सा पार्ट रखा हुआ है. वो पार्ट का नाम है क्या है? कोर. देखो येलो कलर में आपको फिगर में दिखता है. ओके, तो पार्ट का नाम है कोर है. क्या है? कोर. अब कोर का यूज क्या है? ओके, और डिफरेंस बिटवीन द कैविटी एंड कोर. कैविटी क्या है और कोर क्या है और कोर का यूज क्या है वो हम देखेंगे. तो कैविटी क्या है? तो कैविटी प्रोवाइड्स द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द कास्ट पार्ट. कैविटी क्या प्रोवाइड करती है?
कास्ट पार्ट का एक्सटर्नल फीचर्स, मींस की जो हमारा कास्टिंग हुआ प्रोडक्ट बनेगा वो कैविटी की वजह से ही बनेगा। और कोर क्या है, तो कोर वो इंटरनल फीचर है। कोर क्या है, उसका इंटरनल फीचर। अगर हमको उसके बीच में मींस की जो भी कास्टिंग की हुई प्रोडक्ट होगी उसके बीच में हमको होल क्रिएट करना हो तब हम कोर का यूज करेंगे। तो कोर को क्या बोलते हैं, इंटरनल फीचर्स बोलते ऑफ द पार्ट। ओके, इट इज अ प्लेस इनसाइड द मोल्ड कैविटी, क्या करते हैं मोल्ड की कैविटी के अंदर उसको प्लेस करते विद सम सपोर्ट, मींस की क्योंकि ऐसे हवा में तो उसको रख नहीं सकते तो उसको प्लेस करने के लिए हमको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो विद सपोर्ट हम उसको प्लेस करते और इंटरनल होल्स मींस की इंटरनल फीचर्स कोई भी हमको प्रोड्यूस करने हो तो हम इजीली उसको बनाते। ओके, और इन सैंड कास्टिंग द कोर्स आर जनरली मेड ऑफ अ सैंड। सैंड कास्टिंग के अंदर जनरली जो कोर हम बनाते हैं उसका मटेरियल यूज करते हैं वो है सैंड, मींस की सैंड के अंदर बाइंडर्स ऐड करके हम कोर बनाते हैं। तो ये हमारा यूज ऑफ कोर इन अ मोल्ड कैविटी लेंस। ओके, अब आगे हम देखेंगे गेटिंग सिस्टम। ओके, हमने इधर गेटिंग सिस्टम में दो फिगर्स आपको दिखाई दी है, एक 3D फिगर है और एक है हमारे 2D 2D फिगर है। अब गेटिंग सिस्टम क्या है, हमको मोल्टन मेटल को जो हम रनर्स राइजर्स हमने जो फ्लो मींस की मोल्टन मेटल को फ्लो तो करवाना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, मींस की जो मोल्टन मेटल को हमको मोल्ड की कैविटी के तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम रखेंगे वो सिस्टम को बोलते हैं गेटिंग सिस्टम। ओके, तो इट इज अ चैनल थ्रू विच मोल्टन मेटल्स फ्लो इनटू कैविटी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ मोल्ड, जो हमने पहले भी बोला मींस की बाहर से हमको मोल्टन मेटल को मोल्ड की कैविटी तक फ्लो करवाना है तो उसको उसके लिए जो सिस्टम हमने बनाई है वो सिस्टम को हम बोलते हैं गेटिंग सिस्टम। ओके, मींस की अब गेटिंग सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो मींस के कस्टिंग कंसिस्ट ऑफ अ डाउन स्क्रू थ्रू विच अ मेटल एंटर्स, डाउन स्क्रू वहां से हमारा मेटल एंटर होगा एंड रनर लीडिंग द मेन कैविटी, रनर क्या करेगा मेन कैविटी जो मोल्ड की मेन कैविटी की वहां तक हमारे मोल्टन मेटल को पहुंचाएगा। ओके, और एट द टॉप ऑफ अ डाउन स्क्रू अ पोरिंग कर्व इज ऑफन यूज्ड टू मिनिमाइज स्प्लैश एंड टर्बुलेंस एट द मेटल फ्लो इनटू अ डाउन स्क्रू। तो जो हमारा स्क्रू है उसके एंड पे उसका एक हमको जैसा टैपर जैसा शेप रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा जो पोरिंग कप है उसका एक टैपर जैसा शेप रखना पड़ेगा तो वो इजीली मोल्टन मेटल को वहां से फ्लो करवा पाएगा। तो ये हमारी पूरी गेटिंग सिस्टम फ्रेंड्स। ओके, अब हम आगे देखेंगे राइजर के बारे में। अब राइजर की बात की जाए तो राइजर है क्या, अब हमने मोल्टन मेटल को तो पोर किया है उसके लिए हमने गेटिंग सिस्टम रखी है। ओके, अब जो गेटिंग सिस्टम रखी है, अब जब हमारी जो मोल्टन मेटल की कैविटी फुल हो जाएगी तो तब क्या होगा वहां से मोल्टन मेटल हमारा मींस की फ्लो होना बंद हो जाएगा। पर अगर देखो अगर वो हमारी प्रोडक्ट श्रिंक हुई तो क्या होगा उसकी गैप रह जाएगी, तो वो गैप कैसे फिल होगी, वहां से तो मोल्टन मेटल हमने पूर करना बंद कर दिया है तो उसके लिए हमने अलग से राइजर रखे। राइजर का काम है मींस की बैकअप काम है, मींस की वो बैकअप करता है जब हमारी प्रोडक्ट श्रिंक होगी तब वो बैकअप में हमको मोल्टन मेटल अलग से देगा पूर करके देगा और वहां से हमारी जो श्रिंक हुई जो प्रोडक्ट की जो गैप रहेगी अंदर हमारे मोल्ड की कैविटी में वो फिल करेगा। ओके, मींस के इट इज अ रिजर्वेयर इन द मोल्ड व्हिच इज अ सोर्स ऑफ लिक्विड मेटल टू कंपनसेट फॉर अ श्रिंकेज ऑफ अ पार्ट ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन। ओके, जब सॉलिडिफिकेशन होगा तो क्या करेगा मींस की टाइप्स का रिजर्वेयर है वो हमको बैकअप देगा। ओके, देखो हमने जो पोरिंग कप है उसके बाजू में हमारा राइजर है मींस की वहां हमारा मोल्टन मेटल रहेगा और वहां से वो बैकअप करेगा। ओके, इसके मोल्ट्स मेटल्स आर लेस डेंस एज अ लिक्विड देन एज अ सॉलिड सो कास्टिंग श्रिंक अपॉन कूलिंग, मींस की जनरली सभी हमारे जो मेटल है सभी जब लिक्विड टू सॉलिडिफाई में आएगा तब श्रिंकेज होने ही वाले है, इसके लिए हमको बैकअप के लिए राइजर रखना पड़ेगा विच कैन लीव अ वॉइड एट द लास्ट पॉइंट टू सॉलिडिफाई, मींस की जब तक हमारी प्रोडक्ट सॉलिडिफाई होगी तब तक ये जाएगा। ओके, मींस की राइजर प्रिवेंट्स दिस बाय प्रोवाइडिंग मोल्टन मेटल to the casting it solidifies so that the cavity forms in the riser and not in the casting. Okay, और हमारा जो लास्ट में हमने इसमें दो फिगर बताए लास्ट में हमारा फाइनल कास्टिंग का प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। ओके, तो ये सभी था हमारी टर्मिनोलॉजी मीन्स की पूरी कास्टिंग की प्रोसेस थी फ्रेंड्स, क्या थी पूरी कास्टिंग की प्रोसेस और वो प्रोसेस के अंदर कौन कौन से टर्म्स हमने यूज किए वो सभी की हमने टर्मिनोलॉजी आप देखी फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड्स अबाउट द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन अ कास्टिंग प्रोसेस। ओके, और
अगर हमने लास्ट में एक रखा है सम ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ओके क्या है सम ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द टुडे सेशन। अगर आप इस सेशन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एग्जाम देने चाहते हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी गूगल फॉर्म की लिंक रखेंगे, ओके गूगल फॉर्म की लिंक पे जाके आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे फ्रेंड्स। ओके थैंक यू।